रूही, आज तुमने क्राफ्ट क्लास में क्या बनाया? ये देखो, आर वाली रिंग। आर फॉर रूही? नहीं, आर फॉर रमन, मेरे पापा। मैंने आपको उस दिन बात करवाई थी ना। वाह, तो तुम ये रिंग अपने पापा को दोगी? शायद। पापा! थैंक यू वेरी मच। पापा देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आर फॉर रमन पापा। देखो रोहित, अनबिलीवेबल, तुम यहाँ भी पहुंच गए। मुझे पता था तुम ऐसी कोई ना कोई हरकत जरूर करोगे। रात को मेरे घर पे तमाशा करके तुम्हें चैन नहीं मिला, जो आज यहाँ पहुँच गए। Shabon, stop shouting. It's no place to sleep, Chow. Really? बीच रात मेरे घर पे तमाशा खड़ा किया, तब होश नहीं था? Of course. तुम्हें होश कहाँ था? You were bloody drunk. Shut up, Shabon. You shut up. वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हें तो पूरा यकीन था कि मैं खुद रूही को तुम्हारे पास लाऊंगी। तो घर पे बैठ कर पेच करो ना। What are you doing here? मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आया था, समझी तुम? Oh please! आज तक तुम कभी रूही के स्कूल आए हो? तुम्हें ये भी पता है कि रूही कौन से स्टैंडर्ड में है? तुम्हारी माँ आती है पीटीए मीटिंग्स में, बताया मुझे टीचर्स ने। अब कोर्ट केस की हियरिंग पास आ रही है, तो सडनली बहुत प्यार आ रहा है बेटी के लिए। शगुन प्लीज, कम से कम रूही के सामने तो अपनी कड़वी ज़बान पर रखो प्लीज। Fine. But Raman, ये सब मत करो, वरना मुझे कोर्ट में जाके तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। समझ गए? चलो बेटा। सवेरे से देख रही हूँ तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना। ये सब तुम्हारे इन फ्लावर्स की वजह से हो रहा है, समझी ना। वेलकम डार्लिंग। वेलकम, मुझे तो तुम हॉस्पिटल पहुंचाओगी। सिमी बेटा, आप अंदर आओ ना, आपको अच्छी सी फिल्टर कॉफी पिलाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तुम जाओ, रेशु को लेके आओ, जाओ देखो वो तैयार हुई कि नहीं हुई। जाओ ये पकड़। आइए आप लोग अंदर आइए, आइए। भाभी जी, अयो सर, इनसे मिलिए। ये रमन के मामा जी, लुधियाना पंजाब से आए हैं, होजरी का बिजनेस है इनका, बाकी रिश्तेदार कल आ जाएंगे। हाँ, वो रमन कहाँ है? ओ जी, ऑफिस गया है और बोल के गया था कि सीधा इधर ही आएगा। वीर जी, रमन रह कितने गया? कितना थक गया होगा बेचारा। हम लोग तो फिर भी सो गए थे, उसने तो बिल्कुल आराम ही नहीं किया, सारी रात हमारे साथ जागता रहा। तो फिर 3 बजे पूजा में आया, फिर ऑफिस। हाय हाय, मेरा बच्चा बेचारा। खुशी, गलती मेरी है, मैंने ही उसे सारी रात जगाया बेचारा। अंकल जी, ये जो आपका हर 2 मिनट में भोंपू बज रहा है ना, उसको बंद करवाइए, मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है, वाम भी काम नहीं आ रहा है अब तो। हाँ हाँ सभी बेटा, आप लोग अंदर तो आइए। ओ जी, इशिता की तो इतनी एंगेजमेंट में हम लोग आ चुके हैं कि अब तो प्रैक्टिस ही हो गई। देखो जी, पहले हुई सुब्बू के साथ, फिर प्रतीक के साथ, और उस एंगेजमेंट में तो क्या ड्रामा हुआ है। और आज एक और ट्राई। वो कहते हैं ना जी, थर्ड टाइम लकी, तो देखते हैं आज क्या होता है। Forget it. I know. Forget it. ईश्वर को रेडी कर। Look at them, कैसे बातें कर रहे हैं लोग। I know, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, but just ignore them. Come. अब जरा देखो, सब लोग आ गए, लेकिन no sign of दूल्हा। ला 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 ला
जमा तकुटी। ये दिन देखने का मेरा सपना था। नाए खाने पीने खाने ठोरे खाने लोरे खाने। बस अब माँ, ज्यादा इमोशनल मत करो, शील मेकअप खराब हो जाएगा। कुड़ी तो बहुत सोनी है, गोरी चिट्टी है। रहन दो वीर जी, उत्तो ही गोरी चिट्टी है, अंदर से पूरी की पूरी काली है, तो अनु नहीं पता, बड़ी खतरनाक कुड़ी है ये। रहन दे तुशी। इनका भोपू फिर से स्टार्ट हो गया। रिंकी जा, मेरे लिए बाम ले, क्या जल्दी जा। क्या बाम कहाँ मिलेगा दी? मेरे भी सारे बैकेक हो गया है। भैया आएंगे कुपड़ों को टाइम मार दे। हाँ यार सब, मैं अभी फोन लगाता हूँ रमन को। पंडित जी दो मिनट। हाँ भाई है क्या वहाँ पे? रमन सर को ऑफिस से निकले 2 घंटे हो गए। क्या 2 घंटे? भाई रिंग लेने तो नहीं चला गया? मीजी ने उसको कंफ्यूज कर दिया था कि रिंग कौन ला रहा है। अरे कमाल करता ये भी, शाम 7 बजे का मुहूर्त है और अभी तक इसका कुछ पता नहीं, कभी टाइम पे नहीं आता। ये तो बाबा जी, मैं भी फोन, ये फोन भी नहीं उठा रहा। मम्मी जी वो तो वहाँ से निकल गए। अरे कितने रह गए मेरे पुत्र? अरे उनकी सेक्रेटरी बोल रही कि वो निकल चुके हैं वहाँ से। ओ मम्मी जी, मैंने ना दोनों फोन ट्राई कर लिए, दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं। मम्मा भाई खुद ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर भी नहीं है, कहाँ गए होंगे? हाय रब्बा, मेरे बच्चे को कुछ होना गया। ओए शुभ शुभ बोलो। अरे मीटिंग में चला गया होगा, पता तो है आपको, काम में बिजी रहता है, भूल जाता है। ओए को भूलने वाली बात है। मुहूर्तम पैडतना रंबा केड़ेदल भैया ना कूपड़ूंगो। बस आता ही होगा, रास्ते में है। ऐसा ही होता है अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करने में। इन पंजाबियों को क्या पता कि मुहूर्त का इम्पोर्टेंस क्या होता है। आइडिया, देखिए ऐसा है कि पूजा ही तो करनी है, तो भाई की फोटो से कर लेते हैं। रबिश। आंटी जी सोच लो, मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ और फिर तीसरी बार है। पूजा ऊजा कर लेते हैं, भाई आएगा तो बाकी रस्में कर लेना। अरे तिलक मिलक भी लगा लेना। हाँ ऐसे थोड़े नहीं होता सिम्मी जी, कोई मजाक हो रहा है क्या? कोई अपनी एंगेजमेंट से ऐसे वैनिश कैसे हो सकता है? हद हो गई, मतलब मैं तो आइडिया दे रही हूँ। हाँ आपके यहाँ शादी मजाक होती होगी, बट इन आवर कल्चर एवरी सेरेमनी इज काउंटेड, यू अंडरस्टैंड? अरे भाई इतनी टेंशन काहे को ले रही हो? भाई राम जी ने भी तो सीता जी की मूर्ति रख के यज्ञ किया था ना। पूजा करनी है, ईशो दूल्हे के गले में माला चढ़ाएगी। तुम चाहती हो कि वो फोटो पे माला चढ़ाए? ओए क्या बकवास कर रही है, मुंह संभाल के बात कर, जो मुंह में आया बक दिया, हद हो गई। एक्सक्यूज मी, बकवास मैं नहीं, आपकी डॉटर सिमी कर रही है। मैं तो भाई भाई नहीं आया। मम्मी जी मुझे क्या पता कि मद्रासियों का कल्चर क्या होता है, ऐसी बोली जा रही है। देखो जी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। रोमी तू अपने पापा के साथ जा, और जाओ तुम लोग जाकर रमन को ढूंढ के लेकर आओ। टेंशन ना लो, देख मम्मी जी अलग अलग जाते हैं, पापा जी तुम गाड़ी ले जाओ, बंडी चल हम बाइक पे चलते हैं। जाओ जाओ कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ मेरे पुत्र को। ओ ये तो रिकॉर्ड है जी, तीसरी बार ये तमाशा हो रहा है। कुछ लोगों को ना सगाई सूट ही नहीं करती, पता नहीं फिर कोशिश क्यों करते हैं। मुझे तो लगता है दूल्हा भाग गया, उसका मन फिर गया उन्हें। माप लेंगे या नमन नहीं करें। मीका मेरा फोन दो प्लीज। ओके एक्सक्यूज मी,
इशिता अय्यर एंगेजमेंट? जी हाँ, ये सी है। गॉड, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इशिता की सगाई में इन लोगों का क्या काम? कहाँ रह गया ये सस्ता लिमिट? अपन ने भी इस आदमी में देखा क्या आखिर? मैं भी ना, मुझे तो इसकी असलियत पता थी, मैंने कैसे हाँ बोला? मम्मी जी, मुंडा कितने गया? पता नहीं, मैनू की पता सिमे, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। अगर ये मुहूर्त निकल गया सगाई का, तो ये मद्रासियों ने बड़ा ही रौला पाना है। मैंने बोला शुरू करने को, सब लोग पूछ रहे, बातें कर रहे हैं, किधर है रमन, यंग आ रहे रमन? आ जाएगा बथु, आ जाएगा। कितनी शर्म की बात है, इतना डील है। डोंट वरी, लेकिन कब आ जाएगा ना वो? कम डाउन, कम डाउन। हां, हो क्या रहा है यहां? सब इतने चुपचाप है, इशिता भी नजर नहीं आ रही, रमन की फैमिली भी यहाँ है। What's happening? रमन भल्ला तो पड़ोसी हैं इनके और आमने सामने रहते हैं। तो इसलिए यहाँ आए हैं सिमी और उसकी माँ। Excuse me, इशिता अय्यर कहाँ है? जरूर ये ऑफिस में होगा, मैं वही जाके देखती हूँ। इशू, स्टॉप, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? उस एरोगेंट रमन भल्ला के ऑफिस जा रही हूँ मैं। ये समझता क्या है अपने आपको? जरूर वहाँ पे कोई ना कोई अपनी डील क्रैक कर रहा होगा। मैं भी जाके देखूँ कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट डील है जो वो क्रैक कर रहा है। यहाँ पे मेरे अम्मा पापा का मजाक बना दिया उसने और वहाँ पे अपनी फैमिली को भी शर्मिंदा कर रहा है। बस समझता क्या है अपने आपको? वेट, देखो मेरी बात सुनो, कूल हो जाओ, ठंडी हो जाओ। देखो, अच्छा सुनो, मैं तुमको एक चीज बताऊं। इशिता के साथ ये आदमी कौन है? कहीं यही उसका दूल्हा तो नहीं? अच्छा मैं तुम्हें वैसे एक बात बताऊं, तुम जब गुस्से में होती हो ना, बहुत हॉट लगती हो। एक्चुअल में कैन यू प्लीज मेंटेन दिस लुक फॉरएवर? ये जो आपकी विश है ना, जरूर पूरी हो जाने वाली है, क्योंकि मैं शायद लाइफ टाइम गुस्से में रहूंगी अब। अरे बस, इतना गुस्सा ठीक नहीं है भाई। अगर मैं गुस्से में आ गया ना, फिर मेरे पीछे पीछे घूमती रहना, मुझे मनाती रहना, और मेरे बगैर ना तो तुम्हारी एंगेजमेंट हो सकती है और ना ही तुम्हारी शादी। अच्छा है, सेल्फ इंपॉर्टेंस ही और क्या, व्हाई नॉट, आई डिजर्व इट। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी पिक्चर खींचता हूं, जस्ट स्माइल। ये कोई टाइम है क्या फोटो खींचने का? व्हाई नॉट, नो। अरे व्हाई नॉट यार, हम लोगों को भी तो पता लगे ना कि हमारी डॉग के मोतियों जैसे दांत चमकते हैं कि नहीं। नाउ स्माइल, स्टॉप इट ना, प्लीज नो। अच्छा इशू, देखो मेरी बात सुनो, देखो अभी यही कुछ दिन बचे हैं फ्लर्ट करने के, फिर शादी के बाद तो फ्लर्ट कर नहीं पाएंगे। बट अबाउट वन थिंग आई एम वेरी श्योर, प्यार तो मैं तुमसे उम्र भर करता रहूं। हेलो, लाओ दो कैमरा। यस श्योर, हियर यू गो, मैं क्लिक करूंगी। यस श्योर, ओके। तो ये है वो लड़का जिससे इशिता शादी करने वाली है। सीधा साधा साउथ इंडियन बॉय। चलो अच्छा है। जीजू, हाँ? पता है आप हर बात को ना मजाक में उड़ा देते हो, लेकिन मुझे सच में अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूं। मैं शादी अम्मा पापा और रूही की खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन अम्मा पापा दोनों दुखी बैठे हैं यहाँ। क्या मेरा गुस्सा लाजमी नहीं है अभी? हाँ इशिता, तुम वन साइडेड होकर सोच रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रमन एक्चुअल में किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस गया। इशू, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। अगर तुम परेशान दिखोगी तो फिर अम्मा पापा को कौन संभालेगा? करेक्ट, जस्ट स्माइल, प्लीज प्लीज कम ऑन। इशू, रमन से बात हुई, कहाँ है वो? नहीं, बात नहीं होगी। मतलब? मुझे छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। हाँ, मत छोड़ना उसे। एक मिनट, मुझे सर बात करनी। कम 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 कम
Why are you so hyper? Just behave normal, na? What are you talking, Bala? These Balas are at it again. ये इनका गेम प्लान है हमारी इंसल्ट करने के लिए। बंधु ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन लोगों को हमारी इंसल्ट करनी होती तो ये अपने इतने सारे रिलेटिव्स को नहीं बुलाते। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्चुअल में रमन किसी ना किसी सिचुएशन में फंस गया। Just smile, यार, everything is good, everything is normal. भला मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे यार मुहूर्त मुहूर्त क्या होता है? जब दोनों जन मंडप में जाकर बैठेंगे और सच्चे मन से अयप्पा को याद करेंगे बस तभी का मुहूर्त होगा ना। और तुम्हें याद है और मैंने तुम्हें प्रपोज करने से पहले कौन सा मुहूर्त देखा था? और श्रवण वो तो बिना मुहूर्त के आ गया था। अच्छा सुनो सुनो, जस्ट स्माइल और इशिता को चलकर नॉर्मल करो थोड़ा सा। इशु, आई थिंक बाला इज राइट, हमें इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कम मम्मी जी, मम्मी जी, क्यों यार? रमन भैया आ गए। हाय रमन आ गया, रमन भल्ला जी, भल्ला भल्ले, दूल्हा आ गया, रमन देखो जी आ गया, ऐवे रोला पाया सी। आजा, आजा, मेरा बच्चा। भाई, मेरा कहाँ ले गए थे? सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। गाड़ी में सोया हुआ था। हैं कि? मिहिर?